तो यार आज मैंने दुनिया की सबसे छोटी पतंग बना के रेडी कर ली, जो आप देख ही सकते हो। ये नोटबुक की पतंग है और ये कितनी अच्छी तरीके से उड़ रही है। इसको मैंने सिर्फ इस कागज की मदद से बनाया है। तो ये बड़ा सा कागज है जिसके हमने छोटी सी काइट बनाई है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पेपर को स्क्वायर शेप में बराबरली कर देना है। ये आपको आता ही होगा इसलिए मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ, फटाफट से कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो काफी लंबी ना हो जाए। मैं नीचे का जो फालतू का पार्ट है उसे कट कर लेता हूँ, पेपर को इक्वल शेप में ले आता हूँ और स्क्वायर बना लेता हूँ। पेपर मैंने देखो इक्वली लिया है, ये आप भी कर सकते हो इजीली। अब हमें क्या करना है, पेपर को हाफ फोल्ड कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आप दूसरी साइड भी उसे इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे। दोनों तरफ फोल्ड करने के बाद हमारी एक लाइन और एरो बनके ड्रॉ हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। तो देख सकते हैं मैंने बढ़िया तरीके से दोनों तरफ फोल्ड कर दिया है। अभी छोटे छोटे बॉक्स बन के रेडी हो गए हैं, दिख ही रहे होंगे आपको लाइन में क्लियर वाइज। अब इन्हें कट कर लेना है हमें, तो मैं फटाफट से कट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, मेरे को एक छोटा सा पेपर मिल जाएगा अपनी काइट बनाने के लिए। तो फटाफट से कट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसे फटाफट से छोटा सा एक बॉक्स टाइप कट कर लिया, मतलब छोटा सा पेपर स्क्वायर कट कर लिया छोटा सा। अब इसे क्या करना है, इसे भी हमें फोल्ड कर देना है। हाँ, ज़्यादातर काम इस पे काइट में फोल्ड का ही है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है, मतलब सिंपल सा यूज है और बहुत ईजिली बन जाती है। और उड़ती कितनी अच्छी है तो आपने देख ही लिया होगा। देखो यार, इसको इतना फोल्ड करने के बाद अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा दो पेन से मार्क कर देना है। देखो किस तरीके से, एक फर्स्ट वाली लाइन में और एक सेकंड वाली लाइन में, इस तरीके से मार्क करने के बाद वहां पर से पेपर को फोल्ड कर देना है इस तरीके से, जैसे हम पेपर का प्लेन बना देते हैं उस तरीके से, कुछ टेढ़ी शेप में, मतलब उल्टा शेप में फोल्ड कर देना है। ये दोनों साइड कर देना है हमें बढ़िया तरीके से। दोनों तरफ देखो इस तरीके से बराबर पेपर को लेके दोनों तरफ बढ़िया से प्लेन कर देंगे। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमारा आधा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें चाहिए थोड़ा सा टेप और टेप को आगे के साइड दोनों तरफ लगा देना है, जिससे खुल ना जाए आसमान में जाने के बाद। इतना करने के बाद अब हमें एक सिंपल सी एक तिल्ली लेनी है, झाड़ू की तिल्ली या कोई सी भी डंडी आप ले सकते हो, उसे आगे की तरफ लगा देना है, जिससे क्या होगा इस पतंग को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। अब दो छेद कर दिए मैंने साइड में पेपर के और वहाँ पे इसको फटाफट से बांध लूंगा। ये कंधे में बांध रहा हूँ, अगर आपको बांधना नहीं आता तो आप कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो देख सकते हैं धागा अच्छे से हमारा बन चुका है। धागा बांधने के बाद अब हमें क्या करना है, दो पेपर की पतली सी स्ट्रिप लेनी है, लंबी सी पेपर की जो पूंछ होती है ना, वो मैंने बनाई है पतंग की पूंछ। तो फटाफट से इन दोनों को मैं लगा देता हूँ और लगाने के बाद अपनी पतंग उड़ने के लिए रेडी है। और ये आसमान में काफी अच्छी तरीके से और काफी दूर उड़ती है। एक बार तो आप इसे जरूर ट्राई करना, काफी अच्छी लगती है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, बाय।